सो ही गाइस वेलकम बैक से भी। तो फाइनली गाइस गेम के अंदर आ चुके हैं हमारा 6th एनिवर्सरी गेम। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फाइनली ओपन हो चुके हैं यहाँ पे एंड इधर सब लोग बहुत सारे रिवर्ड्स वगैरह ले सकते हो। तो आज हम गाइस बात करने वाले इस वाले इवेंट के बारे में, 6th एनिवर्सरी इवेंट के बारे में, कैसे आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हो एंड साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी सारे रिवॉर्ड्स वगैरह मिल रहे देख सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स वगैरह आ चुके हैं। तो इसके अंदर सारे इवेंट्स को कंप्लीट करके सारे रिवॉर्ड्स को आप लोग कैसे ले सकते हो इसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो आप लोग गाइस इस वीडियो को एंड तक देखते हैं ना एंड वीडियो को गाइस अभी तक लाइक नहीं तो लाइक लेना, सब्सक्राइब नहीं करो फिर एक ब्रेक ही नहींगा उसके भी दुआ कल पे सेट करेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग इवेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा इवेंट है एंड इसके अंदर गाइस देख सकते हो बहुत सारे आपको अलग अलग चीजें मिलते हैं, अलग अलग मिशन मिलते हैं। तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दिस साइड में आपको इन्फो गन करके एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर जाओगे तो आप लोग लकड़ोल के अंदर चले जाओगे। तो इन्फोडी का जो न्यू गन स्किन आया है मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था। तो यहाँ पे आप लोग जाके स्पिन कर सकते हो एंड इसको निकाल सकते हो एंड इसके बाद यहाँ पे ट्रैप रिंग करके आ रहा है जैसे आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो दोबारा से आप लोग चले जाओगे यहाँ पे हमारा लक रोल के अंदर एंड यहाँ पे भी जगह आप लोग स्पिन कर सकते हो एंड हमारा एक न्यू ट्रैप का बंडल आ चुका है सिलेक्टेड रैंक का। तो आप लोग देख सकते हो तो बहुत ही मस्त लग रही है मतलब बंडल आप लोग जैसे देख सकते हो एंड हम लोग यहाँ पे स्पिन भी करने वाले। तो चलो स्पिन करते हैं एंड देखते हैं कितना डायमंड में मिलता है एंड आपको कितना डायमंड में मिल सकता है। तो सबसे पहले 20 डायमंड के स्पिन करते एंड देखते क्या मिलेगा। क्या होगा कि यहाँ पे आपको टोकन मिलेगा कुछ एंड टोकन से आप लोग यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो एंड साथ ही साथ आपको डायरेक्टली भी मिल सकता है। देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे तो डायरेक्टली भी आपको मिल सकता है एंड अगर डायरेक्टली नहीं मिलता तो आप लोग टोकन से यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो एंड कितना टोकन चाहिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास 225 टोकन होना चाहिए, उसके बाद 175, 75, 60 ऐसे आपको कुछ टोकन मिलेगा मतलब टोकन होगा आपके पास। तो आप लोग यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे एक्सचेंज करके ले सकते हो। तो चलो गाइस दोबारा से स्पिन करते एंड यहाँ पे हम लोग स्पिन कर चुके एंड क्या मिलेगा यहाँ पे कुछ वर्डल टोकन एंड यहाँ पे टोकन मिल चुके। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस एक टोकन मिला है बस। तो चलो ध्यान देते उसके बाद दोबारा से स्पिन करते तो 200 का यहाँ पे 200 नहीं मतलब 20 का मैंने स्पिन किया एंड देखते क्या मिलेगा। दोबारा से ऐसे टोकन ही मिलेगा तो दोबारा से गाइस एक टोकन मिले टूट गया मैं तो अब। तो अभी गाइस हम लोग कर चुके हैं 200 डायमंड का स्पिन एंड देखते क्या मिलेगा इस बार। तो यहाँ पे टोकन मिल रहा है एंड दोबारा से टोकन मिला, उसके बाद दोबारा से टोकन मिला, उसके बाद यहाँ पे फिर से टोकन मिला। तो लगभग सारे से टोकन ही मिलेगा तो देखते यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे सभी टोकन नहीं मिला जैसे आप लोग देख सकते हो। इसको ओके करते आने के बाद गाइस बताना चाहूँगा मेरे पास मेरा बंडल आ चुके हैं, मैं बस ऐसे दिखा रहा था कितना डायमंड लग सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे स्पिन कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा डायमंड देना पड़ेगा क्योंकि बंडल बहुत ही मस्त है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही मस्त लग रहे बंडल एंड बंडल का जो लुक है ना वो भी चेंज होता है जैसे आप लोग देख सकते हो कुछ स्टेप से करके लुक चेंज होता है एंड इसका शू वगैरह हेयर स्टाइल वगैरह पैंट वगैरह सभी कुछ बहुत ही मस्त है एंड इफेक्ट्स वगैरह इससे आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो बहुत ही मस्त एक बंडल आप लोग इसको निकाल सकते हो जरूर से एंड थोड़ा सा ज़्यादा डायमंड देना पड़ेगा लेकिन अगर आपके पास डायमंड है तो जरूर से निकाल लेना एंड देख सकते हो मेरे पास आ चुके हैं यहाँ पे वाला बंडल एंड इसके एनिमेशन वगैरह तो भाई एकदम कितना जहर है जैसे आप लोग देख सकते हो डांस भी करते एंड इसके बाद यहाँ पे इसका फीमेल बंडल आप लोग देख सकते भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। हिप हॉप टाइप का यहाँ पे इसका पैंट है तो कुछ स्टेप से आपको यहाँ पे मिलता है। इसके बाद यहाँ पे कटाना का स्किन है जो कि वहाँ पे ही था, उसके बाद एक बैकपैक का स्किन है जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका पीछे इफेक्ट्स देख सकते हो भाई कुछ यहाँ पे कंकाल टाइप का आ रहा है एंड इसको दो लेवल का एक लेवल का देख सकते हो। तो फिलहाल इसको गाइस क्लेम कर यहाँ पे हम लोगों ने गाइस क्लेम कर लिया है एंड इसको ओपन भी करते हैं, इक्विप भी कर लेते एंड ओके करते एंड अभी आप लोग गाइस देख सकते हो बंडल कुछ स्टेप्स आपको मिलेगा लॉबी के अंदर एंड जो ड्रेस चेंज होता है ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस वाले इफेक्ट को बहुत ही अच्छा लगता है अभी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेस वगैरह चेंज होता रहता है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या क्या फ्री का रिवर्स मिलेगा इस वाले इवेंट से यानी 6th एनिवर्सरी का इवेंट से, ये भी यहाँ पे देख सकते हो आ चुके। तो बहुत सारी चीज़ आपको फ्री मिलेगा एंड बहुत सारी चीज़ अभी तक तो नहीं है, अभी इस टाइम पे आपको जो जो फ्री में मिल रहा है ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या फ्री में मिलेगा। तो मेरा बाइक का स्किन है जो कि मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फ्री फायर का 6th एनिवर्सरी का कुछ म्यूजिक है एंड इसके बाद एक बैनर है, उसके बाद एक अवतार है, उसके बाद यहाँ पे अवेकन अलोक का कुछ टोकन है मतलब अलोक को आप लोग अवेकन कर सकते हो। मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ वीडियो के अंदर, पहले इसको क्लेम कर लेते सभी कुछ। तो यहाँ पे गाइस मैंने क्लेम कर लिया, ओके करते एंड अभी गाइस हम लोग दोबारा से चलते यहाँ पे 6th एनिवर्सरी के इवेंट पे जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, जहाँ से मैं आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पे ट्रैप का रिंग इवेंट कम्प्लीट हो चुके मैंने आपको दिखा दिया एंड इसके बाद नीचे आप लोग जैसे कलर फॉन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दूसरा एक इवेंट ओपन हो जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हो इवेंट ओपन नहीं होता, यहाँ पे क्राफ्ट लाइन का पेज के अंदर आप लोग आ जाओगे एंड इधर से आप लोग क्राफ्ट लाइन वगैरह खेल पाओगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली कोई मैप वगैरह तो ओपन नहीं होते, शायद से बाद में कोई मैप वगैरह ओपन हो जाएगा लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे ऐसे पेज ही ओपन हो जाता है पूरा का पूरा। तो इधर से आप लोग क्राफ्ट
फन का मैच खेल सकते हो। इससे जैसे आपको कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह नहीं मिलने वाला। इसके बाद गाइस आपको रैंक प्रोटेक्शन करके एक ऑप्शन मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो 10 दिन यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग गाइस क्लिक करते हैं। इसके बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पे कुछ तरह का आ चुका है। यहाँ पे गाइस आपका जो रैंक है ना प्रोटेक्शन होगा, मतलब रैंक का प्रोटेक्शन होने वाला है, ज्यादा माइनस नहीं होगा। जो इवेंट है सिर्फ हीरोइक वालों या फिर हीरोइक से जो नीचे का है उनके लिए, हीरोइक से ऊपर रहेगा तो मास्टर पे रहेगा, फिर ग्रैंड मास्टर पे रहोगा तो नहीं होगा, बस हीरोइक और हीरोइक का नीचे के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या टीम अप पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग टीम अप पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका ग्रुप बन जाएगा एंड आप लोग इधर से खेल सकते हो। एंड जैसे आप लोग क्लास स्क्वाड या फिर सीएस खेलोगे उसके अंदर आपको ज्यादा माइनस नहीं मिलेगा एंड आप लोग अपने जो रैंक है उसको ज्यादा ज्यादा करके पुश कर सकते हो, ज्यादा ब्लास्ट कर सकते हो। तो इस चीज को आप लोग ट्राई कर सकते हो, ज्यादा आपको माइनस नहीं मिलेगा सिर्फ एनिवर्सरी का। मतलब जो इवेंट चलेगा ना इसका मतलब पीरियड के अंदर आपको मिलेगा, तो 10 दिन चलेगा तो 10 दिन के अंदर आपको ज्यादा माइनस देखने के नहीं मिलेगा। तो अगर रैंक पुश करना चाहते हो बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए, आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद गाइस नीचे आपका और एफ मेमोरीज करके एक इवेंट है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग इस पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे ऐसे करके लोड होकर आ जाएगा एंड इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेगन करके, तो आप लोग वेगन पे क्लिक करना एंड इधर से आप लोग जैसे देख पाओगे आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री वगैरह। फिर इसके बाद गाइस आपको इस साइड में इवेंट मिलता है गदर फॉर द प्राइज करके, तो आप लोग इस पे क्लिक करना एंड इधर से आपको डायमंड भी मिल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल लेवल इवेंट ओपन नहीं हो, तो यहाँ पे आपको इस बार इवेंट से क्या करना है, बेसिकली अपने फ्रेंड्स से हेल्प मांगना है एंड एक लिंक क्रिएट होगा बेसिकली, उसको आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को जैसे ही दोगे एंड फ्रेंड आपका जैसे कोई भी ब्राउजर से उसको ओपन करेगा तो उसके बाद वहाँ पे हेल्प करने का ऑप्शन आता है एंड हेल्प पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको एक टोकन करके मिलता है एंड उस टोकन से आप लोग यहाँ पे जो बॉक्स है इसको ले सकते हो एंड बॉक्स ओपन करके आपको क्या क्या मिलेगा आप लोग ऊपर से देख सकते हो। यहाँ पे आपको डायमंड मिल सकते हैं एंड यहाँ पे जो एक कार्ड है ना, मतलब जो भी कार्ड है ये वाला कार्ड आपको मिलेगा एंड डायमंड वगैरह मिलेगा एंड कुछ और फालतू का रिवॉर्ड से जो आपको इस वाले बॉक्स से मिल सकता है। फिर इसके बाद गाइस हम लोग फिर से होम में आते हैं, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ग्राफिटी करके, तो आप लोग इस पे क्लिक करना। इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से ओपन हो जाएगा एंड इधर से भी आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेगा लेवल पे, अलग अलग लेवल पे 10 लेवल 30 लेवल 40 लेवल ऐसे करके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बॉक्स पे जैसे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे क्या रिवॉर्ड्स वो भी आप लोग देख सकते हो। तो वे बैनर्स अवतार उसके बाद यहाँ पे पैराशूट का स्किन वगैरह बहुत सारी चीजें एंड देख सकते हो। यहाँ पे अलोक को अवर गेन करने के लिए भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, मतलब जो टोकन है ना वो यहाँ पे लोग को अवेकन करने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद पूरा का पूरा इलाइट आलोक भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, जैसे आप लोग देख सकते हो कुछ सहायता देखने वाले इसका आलोक। एंड इसके बाद लास्ट में देखते हैं तो यहाँ पे वाला क्रेट, इसके अंदर आपको यहाँ पे कास्टर रूम कार्ड मिलेगा 24 आवर्स का, जैसे आप लोग देख सकते हो। इसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हो, जैसे आप लोग 50 लेवल करोगे तो यहाँ पे भी आपको कस्टम रूम कार्ड मिलेगा 24 आवर्स का। रिवर्स तो बहुत सारे लेकिन इन सबको लेने के लिए फिर लेवल कंप्लीट करने के आपको क्या करना है, आपको खेलना पड़ेगा। जैसे आप लोग ऑप्टिन पावर पे क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो जितना ज्यादा आप लोग खेलोगे, जितना ज्यादा आप लोग क्लास स्क्वाड या फिर रैंक वगैरह बैटल रॉयल खेलोगे उसके अंदर आपको उतना ज्यादा एक्सपी टाइप का मिलेगा एंड उससे यहाँ पे जो आपका लेवल है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा एंड जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना आपको यहाँ पे बॉक्स वगैरह मिलेगा एंड उसके अंदर से जो रिवॉर्ड है वो भी आपको मिल जाएगा। ऐसे करके काम करेगा वाला इवेंट एंड बहुत ही मस्त तरीका है, तो आप लोग इससे कलेक्ट कर सकते हो, ज्यादा आपको झमेला करना नहीं है, मतलब बस आपको खेलना पड़ेगा एंड ऑटोमेटिकली कम्प्लीट हो जाएगा। जब भी कम्प्लीट हो जाएगा आप लोग इधर से आके क्लेम कर लेना। फिर इसके बाद कैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डेली रिवॉर्ड का, तो डेली यहाँ पे रिवॉर्ड है एंड यहाँ पे आपको लॉग इन रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करो सबसे पहले यहाँ पे फ्री फायर का एक आपको म्यूजिक मिलेगा, इसे आप लोग देख सकते हो। हम लोग इस पे क्लिक करते, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा लॉबी है। तो फ्री फायर का जो पहले का जो पुराना टाइम का यहाँ पे म्यूजिक था ना वो यहाँ पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग इधर से ले सकते हो लॉग इन करके, तो फ्री फायर का एकदम फर्स्ट जो म्यूजिक था वो आप लोग लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे डे 2 का, डे 3 का एंड डे 7 का आप लोग देख सकते हो। डे 7 पे आपको मिलेगा बाइक का स्किन जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है, तो इसको आप लोग ले सकते हो एकदम फ्री में। देखने में तो भाई ये पैसा वाला, मतलब डायमंड वाला लग रहा है लेकिन फ्री में आपको मिल रहा है, तो बहुत ही मस्त चीज है। आप लोग इसको ले सकते हो क्लेम करके, बस 7 दिन आपको लॉग इन करना। इसके बाद हैश रिप्ले करके एक इवेंट से आप लोग देख सकते हो एंड अभी फिलहाल लेवल जो इवेंट है ओपन ही नहीं हुआ है। तो ऐसे कुछ गाइस आपको ऑप्शन मिलते हैं, ऐसे कुछ आपको इवेंट्स वगैरह मिलते हैं 6th एनिवर्सरी का एंड जितने भी इवेंट था मैंने आपको दिखा दिया एंड बाद में इवेंट वाला सेशन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी सेम चीज है, जैसे आप लोग देख सकते हो एंड इसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हो सारे मतलब सेम ही है। तो सभी कुछ मैंने आपको दिखा दिया, आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है कैसे कंप्लीट करना इवेंट को, कैसे क्या करना नहीं करना। बस गाइस वीडियो इतना था, वीडियो अच्छा लगता है इस वीडियो को जब से लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना तो सब्सक्राइब भी करना, फिर बुलेगा नहीं उसको दो गल पर सीट करना। तो वे गाइस मिलते नेक्स्ट वीडियो में।